इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स एक स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है जो कि लोकेटेड होता है इनसाइड सीपीयू। दो तरह के रजिस्टर्स हो सकते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और दूसरा होता है डाटा रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन जिसको जो कि करेंटली एग्जीक्यूट हो सकता है। डाटा रजिस्टर होल्ड करता है डेटा को जो कि होता है वेटिंग टू बी प्रोसीड में। इसके अलावा डाटा रजिस्टर होल्ड करता है रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोसेसिंग इनसाइड द सीपीयू। मेमोरी रजिस्टर्स नंबर्स में कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3। ये सभी एक तरह का टेम्परेरी मेमोरी कहलाते हैं। कंप्यूटर लोड करता है डेटा रैम से रजिस्टर्स में ताकि वो परफॉर्म कर सके ऑपरेशन ऑन डेटा इन रजिस्टर्स और स्टोर्स कर सके रिजल्ट्स फ्रॉम रजिस्टर्स बैक टू रैम। रिमेंबर रखिए हमारे इनिशियल एग्जांपल से कि रीड वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम मेमोरी हमें रीड करना है वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम मेमोरी, रीड करना है वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम मेमोरी, ऐड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट करना है रिजल्ट इन मेमोरी इन वेरिएबल सी। रीड्स डन होगा टू रजिस्टर्स, एडिशन डन होगा इन रजिस्टर्स और रिजल्ट्स इज रिटर्न टू मेमोरी फ्रॉम अ रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू कंटिन्यूड। मेमोरी रजिस्टर रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट is used for doing basic arithmetic logic operations on values stored in the register. Arithmetic logic unit का काम यह है कि वह basic arithmetic और logic operation perform करेगा values पे और वो values stored होंगे registers में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, होल्ड करेगा करंट इंस्ट्रक्शंस को। ये किसके साथ इन कनेक्शन वर्क करेगा, यह मेमोरी रजिस्टर्स रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, इसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ एक कनेक्शन में किसी प्रोसेस के अंदर वर्क कर सकता है। मेमोरी रजिस्टर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साथ एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी भी वर्क करता है जो कि होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन इन रैम। इसके अलावा इसमें एक और कंपोनेंट आता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट जिसे कहा जाता है स्टेट मशीन। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं द प्रोसेस मॉडल के बारे में। एक प्रोसेस एक सिर्फ एक इंस्टेंस होता है एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम का जिसमें इंक्लूड होता है करंट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स एंड वेरिएबल्स। सीपीयू स्विच होता है फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ये रैपिड स्विचिंग बैक होता है और एंड फोर्थ होता है, इसे ही कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि रैपिड स्विचिंग के बैक एंड फोर्थ को ही कहते हैं हम मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग फोर प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम काउंटर होता है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स का वैल्यूज़ रखा जाता है और फोर प्रोग्राम काउंटर में सभी का वैल्यूज रखा जाता है।
और इन सारे प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोसेस को टाइम्स के बेसिस पे कैटेगराइज भी किया जाता है। एक सीपीयू कैन रियली रन वन ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम इफ़ देयर आर टू कोर्स ईच ऑफ देम कैन रन ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक सीपीयू वास्तव में केवल एक प्रोसेस को एट अ टाइम कर सकता है या रन कर सकता है यदि उसके पास दो कोर्स हों और दोनों कोर्स प्रत्येक दोनों कोर्स केवल एक प्रोसेस को एक समय में रन कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं द रजिस्टर सेट के बारे में। सीपीयू एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि रिपीटेडली रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को इसकी मेमोरी से। इसके अलावा सीपीयू एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है जो कि फेच एंड एग्जीक्यूट साइकल्स के बेसिस पे वर्क करता है। एक मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि ड्रॉन होता है फ्रॉम द सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में कंसिस्ट होते हैं दो पार्ट, एक ऑप कोड और एक एड्रेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए 14 ऑप कोड है और 516 एक एड्रेस है। एग्जांपल 16 बिट्स। 11 इंस्ट्रक्शंस के लिए रिक्वायर्स होता है एक 4 बिट ऑप कोड। 12 बिट्स ऑफ द 16 बिट वर्ड रिमेन फॉर एड्रेसिंग 2 की पावर 12 इक्वल 4096 16 बिट वर्ड्स ऑफ द रैम। सीपीयू में 8 स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि 16 बिट एक्यूमुलेटर जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसी कहा जाता है, 12 बिट प्रोग्राम काउंटर जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहा जाता है, 4 बिट ऑप कोड जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी कहा जाता है, 12 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमएआर कहा जाता है, 16 बिट मेमोरी डेटा रजिस्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमडीआर कहा जाता है, 16 बिट इनपुट रजिस्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में INR कहा जाता है, 16 बिट आउटपुट रजिस्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में OUTR कहा जाता है, 1 बिट हॉल्ट रजिस्टर जिसे शॉर्ट फॉर्म में HLT कहा जाता है। द रजिस्टर डेटा ट्रांसफर इन द CPU। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको स्पेशल रजिस्टर दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि HLT, PC, MAR, MDR, OUTR, AC, INR और ALU। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AC कनेक्टेड है, INR, OUTR, MDR, ALU इन सभी से कनेक्टेड है, ALU कनेक्टेड है AC से और MDR से, MDR कनेक्टेड है PC से, MAR कनेक्टेड है PC और MDR और रैंडम एक्सेस मेमोरी यूनिट से। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है तो उस पर कोई भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि OUTR, INR और ALU में किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनका रिज़ल्ट क्या आ रहा है।
यदि कोई भी डेटा ALU से एक्यूमुलेटर के पास जा रहा है तो वह MDR के पास भी जाएगा, और MDR को यदि कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन ALU को देना है तो वह भी देने का प्रयास करेगा। MDR से जो डेटा है वो MAR और रेंडम एक्सेस मेमोरी दोनों की तरफ के साथ साथ PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर के पास भी जा सकता है। द कंट्रोल यूनिट, यह सब कुछ होने के बाद कम्स डाउन होता है टू द कंट्रोल यूनिट। यह केवल एक स्टेट मशीन है। यह कैसे वर्क करता है? मशीन साइकिल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फैच होता है, फैच के बाद डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद डाटा जाता है एक्यूमुलेटर में, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद स्टोरेज रजिस्टर से 76 उसमें ऐड होता है, और लास्ट में वह स्टोर होता है। मशीन साइकिल को दो सेक्शंस के माध्यम से बताया गया है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। आई टाइम, सी कंट्रोल यूनिट फैच करता है एक इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी और उसके बाद उसे पुट करता है एक रजिस्टर में। कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को और डिटरमाइंस करता है मेमोरी लोकेशंस ऑफ द डेटा रिक्वायर्ड। मशीन साइकिल ई टाइम एग्जीक्यूशन, कंट्रोल यूनिट मूव करता है डेटा को फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर इन द ALU। ALU इज गिवन कंट्रोल और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल रिटर्न होता है टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट स्टोर करता है रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इन मेमोरी और इन अ रजिस्टर। डायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन, एड्रेसेस रिफर होता है डायरेक्टली टू मेमोरी लोकेशंस जो कि कंटेन करते हैं ऑपरेंड्स ये और डेटा ऑन विच द प्रोग्राम ऑपरेट्स। इनडायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जिनमें एक एड्रेस इंटरप्रेटेड होता है एज द एड्रेस एट विच टू फाइंड द एड्रेस कंटेनिंग द नीडेड ऑपरेंड। CPU दो मेमोरी फेचेस करता है, पहला होता है टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड और सेकेंड होता है टू फाइंड द ऑपरेंड itself। The fetch and execute cycle, fetch और execute cycles में दो portions होते हैं। पहला होता है instruction जो कि जिसका address होता है in the PC और ये fetched होता है into the MDR। opcode portion of this register is copied into the OPC, the control unit। कंट्रोल यूनिट स्टेट मशीन में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। फैच, यह पूछता है रैम को फॉर द इंस्ट्रक्शन व्हिच एड्रेस इज स्टोर्ड इन IP। एग्जीक्यूट, इसमें सिर्फ एक स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, इस बार डिपेंडिंग ऑन विच इट इज डू व्हाट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट इट। इसमें बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे वह किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए सारी नेसेसरी चीज़ें करता है। रिपीट, ऐड करते हैं 1 टू द एड्रेस स्टोर्ड इन IP और उसके बाद जाते हैं स्टेप 1 में। व्हाट इज FSM? एक फाइनाइट स्टेट मशीन बेस्ड होती है ऑन द आइडिया ऑफ देयर बीइंग फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर ए गिवन सिस्टम। फाइनाइट स्टेट मशीन सिस्टम इस बात पे बेस्ड होता है कि किसी भी गिवन सिस्टम में निश्चित नंबर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जब एक एप्लीकेशन में टर्न होता है LED ऑन और ऑफ तो दो तरह के स्टेट एग्जिस्ट हो सकते हैं। वन स्टेट यह होगा जब LED ऑन होगा और सेकंड वह होगा जब LED ऑफ होगा। इफ इट विल टर्न ऑन 8 LED इज सिक्वेंटली, ओनली 1 LED इज ऑन एट टाइम देयर फॉर 8 स्टेट एग्जिस्ट। मान लीजिए
कि इसमें 8 LEDs टर्न ऑन होते हैं सिक्वेंशली, और एक बार में जैसे कि सिक्वेंशली है तो एक बार में एक ही LED ऑन होगा, इसलिए इसमें 8 स्टेट्स एग्जिस्ट हो सकते हैं। प्रत्येक स्टेट कंसिस्ट करता है ऑफ 1 LED बिंग टर्न ऑन वाइल ऑल द रेस्ट आर ऑफ। प्रत्येक स्टेट कंसिस्ट करता है कि एक LED टर्न ऑन होगी जबकि उसी समय पे बाकी सारी LEDs ऑफ होंगी। स्टेट वेरिएबल, स्टेट मशीन में रिक्वायर होता है एक स्टेट वेरिएबल SV। द स्टेट वेरिएबल एसेंशियली एक पॉइंटर होता है जो कि कीप ट्रैक करता है ऑफ द स्टेट दैट द सिस्टम इज इन। SV या स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाइड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स या स्टेट्स में देमसेल्व्स और बाय एन आउटसाइड फंक्शन। एग्जांपल, फर्मवेयर यूज करता है एक आउटसाइड फंक्शन जो कि डिटेक्ट करता है एक बटन प्रेस को टू एडवांस थ्रू द स्टेट्स। स्टेट मशीन कैसे वर्क करता है। स्टेट मशीन इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट लेता है जिसके बेसिस पे वह नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को डिराइव करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट लॉजिक से जब नेक्स्ट स्टेट मिलती है तो उससे स्टेट वेरिएबल और नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को और इम्प्रूव किया जाता है। जब यह इम्प्रूव हो जाता है तो यह आउटपुट्स टू द इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट के लिए एज अ आउटपुट जनरेट होता है। द कंट्रोल यूनिट इज अ स्टेट मशीन। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन फैच होता है उससे रिलेटेड एड लोड ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, साथ में गो टू और स्टोर भी पैरेलली या सिक्वेंशली परफॉर्म हो सकते हैं। इन सभी के बाद होता है एग्जीक्यूट और उसके बाद एड वन किया जाता है टू IP, और उसके बाद यदि ये प्रोसेस यदि इसमें दो तीन डेटा रहेंगे तो लगातार ये होने के बाद दोबारा फैच और सारे प्रोसेस दोबारा रिपीट होंगे। द फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल। मान लीजिए OPC एक लोड एक्यूमुलेटर इंस्ट्रक्शंस है। एक्शन रिक्वायर्ड इज टू कॉपी द वर्ड स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इनटू द एक्यूमुलेटर। लोड एक्यूमुलेटर डिकम्पोज्ड होगा इनटू 8 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में। साइकिल वन में कॉपी होगा कंटेंट्स ऑफ PC टू MAR। सेकेंड साइकिल में फैच होगा वर्ड एट एड्रेस MAR इनटू MDR जो कि रिलेटेड होगा इंक्रीमेंट PC से। थर्ड साइकिल में कॉपी होगा ऑप कोड पार्ट ऑफ MDR टू OPC। फोर्थ साइकिल में इंटरप्रेट होगा OPC, कॉपी होगा एड्रेस पार्ट ऑफ MDR टू MAR। फिफ्थ साइकिल में फैच होगा वर्ड एट एड्रेस MAR इनटू MDR, और सिक्स साइकिल में कॉपी होगा MDR इनटू AC। सिस्टम क्लॉक प्रोड्यूस करता है पल्सेस एट अ फिक्स रेट। प्रत्येक पल्स में एक मशीन साइकिल होती है। एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक्चुअली हो सकता है भी सेवरल इंस्ट्रक्शन टू द CPU। प्रत्येक CPU इंस्ट्रक्शन लेता है 1 पल्स। CPU में एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है इंस्ट्रक्शंस जो कि अंडरस्टैंड किया जा सकता है और प्रोसेस किया जा सकता है एक सिंपल प्रोग्राम। मान लीजिए हम ऐड करते हैं वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स A एंड B जो कि एज्यूम्ड होता है टू बी इन मेमोरी, और उसके बाद हम रिजल्ट को पुट करते हैं इन वेरिएबल C इन मेमोरी इज दैट C इज इक्वल A+B इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम। लोड A रजिस्टर इनटू R1, लोड B इनटू रजिस्टर R3, R2 इक्वल R1+R3 स्टोर्ड R2 इन C। रनिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के लिए किस तरह का प्रोसेस अप्लाई होगा वह आपके इस डायग्राम में दिखाया गया है। R1 का वैल्यू 2 है वो जाएगा R1 में। लोड A इंटू R1, C की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है। लोड B इंटू R3, R2 इज इक्वल R1+R3 स्टोर R2 इंटू C, और इसमें जो एड्रेसेस यूज हुए हैं वो हैं 2005, 2006, 2007, 2008।
उसके बाद लोड बी इंटू R3 होगा IR में और IP में होगा 2006। फर्दर प्रोसेस में IR का दोबारा डेटा होगा R2 इक्वल R1 प्लस R3, IP का होगा 2007। और फर्दर प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू 5, R3 की वैल्यू 3। आई आर में नेक्स्ट क्या होगा, स्टोर R2 इंटू सी, IP की वैल्यू क्या होगी 2008। फाइंडिंग डेटा इन मेमोरी, प्रत्येक लोकेशन मेमोरी में एक होता है यूनिक एड्रेस, एड्रेस चेंज नहीं होता है, कंटेंट चेंज हो सकता है, मेमोरी लोकेशन होल्ड कर सकता है एक इंस्ट्रक्शन को या फिर पीस ऑफ डेटा को। प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं सिंबॉलिक नेम्स। स्पीड एंड पावर, क्या कंप्यूटर को फास्ट बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर स्पीड, बस लाइन साइज, अवेलेबिलिटी ऑफ कैचे, फ्लैश मेमोरी, RISC कंप्यूटर्स, पैरेलल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड, टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन जो कि हो सकता है मिलीसेकंड में, माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ होता है और पीको सेकंड फ्यूचर्स के कंप्यूटर्स में यूज़ होगा। माइक्रो प्रोसेसर स्पीड, माइक्रो प्रोसेसर स्पीड का मतलब होता है क्लॉक स्पीड, यह क्लॉक स्पीड मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में हो सकती है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, MIPS, परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, जिसे कहा जाता है मेगा फ्लॉप। कैचे, स्मॉल ब्लॉक ऑफ वेरी फास्ट टेम्प्रेरी मेमोरी होता है जिससे कि स्पीड अप होता है डेटा ट्रांसफर। इंस्ट्रक्शन और डेटा यूज होते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली और मोस्ट रिसेंटली, वो होते हैं कैचे में। जैसे कि कैचे में स्टेप वन में प्रोसेसर रिक्वेस्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को और इसी के बेसिस पे नेक्स्ट प्रोसेसर रिक्वेस्ट होती है जिसके लिए पहले कैचे की ओर देखा जाता है फिर गो टू मेमोरी। स्टेप टू में गो टू एड्रेस इन मेन मेमोरी एंड रीड। स्टेप थ्री में ट्रांसफर टू मेन CPU एंड कैचे। टाइप्स ऑफ कैचे, इंटरनल कैचे लेवल 1 L1 जो कि बिल्ड होता है इनटू माइक्रो प्रोसेसर अप टू 128 किलोबाइट। एक्सटर्नल कैचे लेवल 2 L2, सेपरेट चिप्स होते हैं 256 और 512 किलोबाइट तक होता है। इसमें SRAM टेक्नोलॉजी होती है, चीपर एंड स्लोअर देन L1 होता है, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन मेमोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ TFLOP से।